घंटाल आदमी ने लमार्किज्म के नाम पे तीन बकलोलियां की। पहली यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, दूसरा इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर, तीसरा एंसेस्ट्री ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर। ये क्या होते हैं सर? जैसे इमो एंड ऑस्ट्रिच ने अपना यूज नहीं किया विंग्स, तो उनके विंग्स हो गए काफी वीक। जिराफ ने काफी ज्यादा यूज कर लिया अपना नेक, इसलिए उनका नेक काफी बड़ा हो चुका है। इसलिए मैं भी अपने बड़े करना चाहता हूँ बाइसेप्स, ताकि मैं इस अक्वायर्ड कैरेक्टर को अपने कमिंग जनरेशन में ट्रांसफर कर सकूं, और वो उसे कहेंगे इनहेरिटेंस ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर, और वो अपने बड़े बड़े बाइसेप्स के साथ खेलते रहें और उसको कई सारे जनरेशन तक ट्रांसफर करते रहें। इसे हम बोलेंगे एंसेस्ट्री ऑफ अक्वायर्ड कैरेक्टर। समझे?